एकता दिवस परेड मुख्य आयोजन स्थल पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन, तिरपन ध्वजवाहक, ये विहंगम दृश्य केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर का, जो आज देश प्रेम के रंगों में सराबोर नजर आ रहा है। आज यहां न केवल देश प्रेम से ओतप्रोत माहौल है, बल्कि गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी परिचय होगा लोक नृत्य के माध्यम से, जिसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा। गाथाओं को समेटे हुए देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने हेतु संकल्पित है। निवेदन है कि राष्ट्रध्वज के आगमन पर राष्ट्रध्वज के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और वर्दीधारी सैल्यूट करें। सम्मान देंगे राष्ट्र सलाम सलामे
विविधताओं से भरे हमारे भारत देश की सच्ची ताकत, सच्ची हिम्मत, सच्ची पहचान ही है एकता। एकता और अखंडता को मजबूत करना ये हमारा कर्तव्य है। इस वचन को चरितार्थ करने का बीड़ा उठाया है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, और इसलिए एकता के प्रेरक पूज्य सरदार पटेल की जन्म जयंती को राष्ट्र एकता दिवस के तौर पर मनाने का निर्धार किया गया है। आज इस राष्ट्रीय एकता दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र निवेदन करते हैं कि वे यहां उपस्थित सभी के साथ पूरे भारत देश को एकता की शपथ दिलवाएं। हम सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे, दाहिना हाथ आगे करके शपथ ग्रहण करेंगे। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सके। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। राष्ट्रध्वज के गान पर हम सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे।